गुलबर्गा शहर के बेबाक लीडर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद को जनता दल सेकुलर से कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद बेंगलुरु से गुलबर्गा वापसी के दौरान तमाम जनता दल सेकुलर के लीडर्स और कार्यकर्ताओं की जानिब से ग्रैंड वेलकम किया गया है। बारह अगस्त को बेंगलुरु में एक्स चीफ मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी ने नासिर हुसैन उस्ताद को कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर पूरे कर्नाटक में जेडीएस पार्टी से मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करने का भरोसा दिलाया है। कुमार स्वामी ने गुलबर्गा शहर की आवाम से कॉरपोरेशन इलेक्शन में नासिर हुसैन उस्ताद की लीडरशिप में जेडीएस पार्टी के तमाम एस्पिरेंट्स को वोट कर जिताने की गुजारिश की है। कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट बनने के बाद नासिर हुसैन उस्ताद गुलबर्गा पहुंचे और तमाम जेडीएस के लीडर्स और कार्यकर्ता नासिर हुसैन उस्ताद का ग्रैंड वेलकम कर खुशी का इजहार करते नजर आए हैं।